हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। कुकिंग विद रेखा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रसगुल्ले की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, जिसे आप घर पर ही बना सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल पर, किसी भी ओकेशन पर या अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी पर आप इसे घर पर ही बना सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ पर दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। हमें इसको बहुत अच्छे से गर्म करना है जब तक कि इसमें 3 से 4 उबाल ना आ जाए। देखिए, हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसमें लगभग 3 से 4 उबाल आ चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 नींबू का रस। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून पानी भी मिलाया है। अब हम इसे 1-1 चम्मच करके थोड़ा थोड़ा करके इस दूध के अंदर डालना है। हमें सारे नींबू के रस को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाना है, कुछ इस तरह से। जब तक कि अच्छे से ना फट जाए। देखिए, हमारा छेना और पानी हल्का हल्का सा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं ये सारा नींबू का रस इसमें एक साथ डाल दूंगी। देखिए दोस्तों, हमारा छेना और पानी जो है सेपरेट हो चुका है। अब हम इसे जल्दी से छान लेंगे। हमारा छेना कितनी क्वांटिटी में बनेगा ये सब आपके दूध की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो दूध है वो किस क्वालिटी का है। तो छानने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है 1 बर्तन, बड़ा सा बॉल, उसके ऊपर मैंने लिए है छलनी। देखिए दोस्तों, मैंने सारे छेने को जो है छान लिया है। अब इसके अंदर डालूँगी मैं साफ पानी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा साफ पानी डाल के इसे अच्छे से धो देंगे ताकि इसके अंदर नींबू का जो भी खट्टापन है वो सब निकल जाए। हमें इसे बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं धोना है, इसे बहुत ही हल्के हाथ से धोना है ताकि इसकी सॉफ्टनेस जो है वो बरकरार रहे। देखिए, मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम हमारे कपड़े के चारों कोने पकड़ेंगे और इसे कुछ इस तरह से हल्के हाथ से टर्न करते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लेंगे। हमें छेने को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं निचोड़ना है, हमें सिर्फ इतना निचोड़ना है कि हमारे छेने के अंदर हल्का हल्का सा मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहे। अगर हमारा छेना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो भी हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। हमारे छेने के अंदर हल्का सा मॉइस्चर होना ज़रूरी है। इसका सारा पानी जो है वो निकाल लिया है। अब हम 1 बर्तन लेंगे और उसके ऊपर कोई भी ऐसा बर्तन ले लेंगे, उसके ऊपर इस छेने को रखेंगे और इसके ऊपर लगभग 10 मिनट के लिए कोई वजन रख देंगे ताकि इसका जितना भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। देखिए दोस्तों, हमारे छेने को लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा छेना जो है कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसे एक बड़ी सी परात के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा छेना कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। अब इसमें हमें बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा मैदा ऐड करना होगा। अब 1 लीटर दूध के छेने के अंदर हमें लगभग 1 छोटा स्पून जो है मैदा डालना है।
ध्यान रखिए आपको मैदा ज़्यादा नहीं डालना है, मैदा ज़्यादा डालने से आपके रसगुल्ले जो है वो बहुत ही हार्ड बनेंगे और कुछ इस तरह से आपको इसका बहुत ही स्मूथ टेक्सचर तैयार करना है। जैसे अपन रोटी का आटा लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से आपको इस आटे को गूंथना है। ये देखिए हमारे रसगुल्ले का बहुत ही स्मूथ डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम हमारे चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। हमारा डो रसगुल्ले बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इस स्टेज पर हम हमारी चाशनी की तैयारी करेंगे। अब हमें हमारे छेने को जो है एक बाउल से मेज़र कर लेना है। ये एक बाउल छेना है, हमें इसी के बराबर जो है शुगर लेनी है। सेम साइज़ की कटोरी है, मैंने फुल कटोरी भरकर शुगर ले ली है इसमें हमारे छेने के इक्वल। अब मैं इस शुगर को इस बर्तन के अंदर डाल दूंगी और इसी कटोरी से मैं शुगर का 5 गुना इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। मैंने शुगर को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, सिर्फ इतना सा बॉईल करना है कि हमारी शुगर जो है पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। तब तक हम हमारे रसगुल्ले बना लेते हैं जब तक कि हमारी शुगर मेल्ट हो रही है। देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर बनकर रेडी हुआ है हमारे रसगुल्ले का। हमें बहुत ही छोटी साइज के रसगुल्ले बनाना है। और कुछ इस तरह से हथेलियों के बीचों बीच हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर। हमें हमारे रसगुल्ले छोटी साइज के ही बनाना है क्योंकि पानी के अंदर जाकर इनकी साइज जो है वो डबल हो जाती है। और ध्यान रहे हमारे रसगुल्ले में किसी भी तरह का कोई क्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रसगुल्ले के अंदर किसी भी तरह का कोई क्रैक होता है तो ये पानी के अंदर जाकर फट सकते हैं। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से बनाएं। अब हम बाकी के रसगुल्ले भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सारे रसगुल्ले बनाकर रेडी कर लिए हैं और ये लगभग 17 रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं 1 लीटर दूध के छेने से। देखिए दोस्तों, हमारे पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इस उबलते हुए पानी में ये रसगुल्ले डालेंगे। अभी ध्यान रखिए दोस्तों, हमें गैस का फ्लेम हाई ही रखना है और लगभग 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक हमें हाई फ्लेम पर ही इन्हें पकाना है। उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। जैसे ही हम हमारे रसगुल्ले को डालते जाएंगे वैसे वैसे वो ऊपर आते जाएंगे हल्का सा पकने के बाद। देखिए दोस्तों, मैंने सारे रसगुल्लों को पानी के अंदर डाल दिया है। अभी अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। अब हम इन थोड़ा सा अलट पलट कर देंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। आप देख सकते हैं ये पहले से डबल हो चुके हैं जब हमने पानी में डाले थे। देख सकते हैं हमारा रसगुल्ला जो है एक भी फटा नहीं है। हमारे रसगुल्लों को हाई फ्लेम पर पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनकी साइज डबल नहीं बल्कि 2.5 गुना हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसके ऊपर इस तरह से आधी प्लेट ढककर लगभग 20 मिनट तक और पकाएंगे और इसे बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। सॉरी दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने पानी के अंदर जो है एक इलायची का पाउडर भी डाला था। अब मैं इसके अंदर 1 से 2 केसर के तार भी डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे रसगुल्लों के पकते हुए लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी भी काफ़ी हद तक टूट गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमारे रसगुल्ले पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, बट खाने के लिए नहीं,
हमें इसे लगभग 15-20 मिनट तक इसे बाहर ही ठंडे होने देना है। उसके बाद इसे फ्रिज में रखना है लगभग आधे घंटे के लिए, फिर इसे खाना है। हमारे रसगुल्ले खाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले जो है वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। इसे देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।